ना मेरे बच्चे खाना खाए बगैर किसी सूरत नहीं जाने देना मैंने, और मुझे पता है कि आपको ना मलाई रोटी बहुत ज्यादा पसंद है। मैं ना भी गुड़िया के पापा को फोन करती हूँ, वो आते हुए लेकर आएंगे। अमित भी रहने देना, क्या जरूरत है खाने की, हम फिर आ जाएंगे। चुप कर जाओ, तुम्हें इन बातों का पता। अल्लाह, बातों बातों में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं जूस लेकर आऊँ। मैं बस जूस लेकर आई। सर अम्मी को देखती, अम्मी खाने की क्या जरूरत है, आ जाएंगे दोबारा खाने पे। अच्छा दामाद जी को बिरयानी पसंद है या पुलाव पसंद है? अम्मी बस ही करते हैं। ससुराल में ना मैंने सुबह से शाम तक टूटी हुई भी घर आऊँ ना तो वो मुझे पानी का ग्लास पूछना पसंद नहीं करता, और अगर आप वहाँ पे कमरे में पड़े रहना सुबह से शाम तक तो वहाँ पे कोई भी आपको कुछ भी पूछना पसंद नहीं करेगा। और एक आप लोग, मैं आप सासों की मुझे समझ नहीं आती, कोई दामाद घर में आ जाए तो चाय लेंगे तो पानी लेंगे तो बिरयानी पसंद है तो पता नहीं कैसी कौन सी बड़ी चीज आ गई है घर में। उन्होंने जो इतनी बड़ी मुसीबत संभाल के रखी हुई है ना, यही उनका बहुत बड़ा मेरे सर पे एहसान है। अब मुंह बंद करो, ये जल्दी से जूस लेके जाओ।